बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करते हुए सड़क पर आ गए और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दरअसल मुरादाबाद से सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि निकाय चुनाव परिणाम के दूसरे ही दिन योगी सरकार ने प्रदेश के गरीब लोगों पर बिजली की बढ़ी हुई दरों का बोझ डाल दिया है, जो सरासर गलत है। भाजपा विदेशों से तो काला धन वापस नहीं ला पाई और विजय माल्या जैसे लोगों को छूट दे रखी है, वहीं बिजली के रेट बढ़ाकर गरीब जनता की कमर तोड़ दी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से ही मुरादाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में जमा होने शुरू हो गए थे। इन लोगों ने परिसर में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वहीं सपा कार्यकर्ताओं का कहना है, देश में भाजपा की आर्थिक नीतियों के चलते नोटबंदी और जीएसटी के कारण आम जनता बुरी तरह परेशान है। महंगाई सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती जा रही है, परंतु अभी राज्य में नगर निकाय चुनाव खत्म होते ही उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह बिजली की दरें बढ़ाकर घरेलू अर्थव्यवस्था पर चोट की है, उससे लोगों की कमर टूट गई है। प्रदर्शन करने वालों में महानगर अध्यक्ष स्वेबसंत पासा, जिला महासचिव संजीव यादव, मुरादाबाद देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, यास्मीन सैफी, धर्मेंद्र यादव, विवेक गुप्ता, अनीता सिंह, शबनम, जगदीश प्रजापति, आयुष सैफी, डीपी यादव, मीनू रत्नाकर, राजेश्वरी यादव आदि भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चीज को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, बिजली के रेट निकाय चुनाव के दूसरे दिन से जो बढ़ाए गए हैं, इससे गरीब बेहाल हो जाएगा, गरीब परेशान हो जाएगा, गरीब के घर का उजाला छीन रहे हैं योगी जी। और ये बात समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। गरीब रक्षा चालक मजदूर जो 300 रुपए कमाता है, वो किस तरह से एक पल जला पाएगा? जिस तरह रेट बढ़ाए गए हैं, बिजली के रेट वापस लिए जाए, बड़े हुए रेट वापस लिए जाए, विजय माल्या को वापस लाओ, उस पर जो कर्ज है, उस पर जो देश का पैसा है, वो गरीबों को बांटो। आप गरीबों को लूट रहे हैं, विजय माल्या को छूट दे रहे हैं, विजय माल्या लंदन घूम रहे हैं और गरीब से बिल्कुल कपड़े उतारने का काम योगी जी कर रहे हैं। इस बात को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जान जाए या रहे, बिजली की दरें नहीं बढ़ाने दी जाएंगी। इससे पहले आप ही की सरकार थी यूपी के अंदर और उसमें आपके लगातार रेट बढ़ रहे थे, तब तो आपने नहीं, कुछ कोई रेट नहीं बढ़ा, बिजली का कोई रेट नहीं बढ़ा समाजवादी पार्टी की सरकार में। और समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीब की जिंदगी से कोई खिलवाड़ नहीं हुआ, गरीब को राहत पहुँचाई गई, किसानों को बिजली दी गई और गाँवों को बिजली फ्री दी गई। अभी साल भर पूरा नहीं हुआ योगी सरकार को, आप अभी से आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर? आरोप ये देख नहीं रहे आप? अरे रेट बढ़े या नहीं बढ़े, हम आरोप नहीं लगा रहे। उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल त्राई त्राई है, बेहाल है, गरीब बिल्कुल परेशान है। उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों के कपड़े उतारने के काम कर रही है। अच्छा विधायक जी का ऑडियो वायरल हो रही है, राशिद कोई आपके वहाँ पार्टी के पदाधिकारी बता रहे हैं, जिसमें आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, मतलब पार्टी पर आरोप लगाना है कि टिकट बेचे गए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई राशि वो नहीं है पार्टी का, कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। अब कोई भी आदमी आरोप किसी पर लगाए, कोई हमारी पार्टी में राशिद नाम का व्यक्ति। अच्छा, जब तक निकाय चुनाव चल रहे थे आप लोग शांत बैठे थे, निकाय चुनाव खत्म होने के बाद में आपने फिर से आंदोलन चालू कर दिया है, क्या समझा जाए उसको? देखिए ऐसा है, निकाय चुनाव तक तो बिल्कुल सरकार खामोश बैठी थी, निकाय चुनाव से पहले बढ़ाती बिजली की दरें, जब दरें बढ़ी बिजली की तो हम सड़कों पर निकले और हम सड़कों पर निकलेंगे, बिल्कुल हम सड़कें भर देंगे बिल्कुल। क्या आप नाखुश हैं सरकार से? हैं आप नाखुश हैं? आम जनता नाखुश है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता नाखुश है। इतने निकाय चुनाव में जो जीते, इसका कारण है इसका? ईवीएम मशीन जी, आप बैलेट से करा लीजिए चुनाव, आइए रामपुर में वहाँ बैलेट से करा लीजिए चुनाव, पता चल जाए।
तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा ने जो है चुनाव में धांधली करी है? अरे वो तो हो ही रहा, सब जो मेरठ में चुनाव हुआ वहाँ वोट डाला किसी और को और निकला किसी और कमल पर, ये सब दिख रहा है, सब देख रहे हैं। और मीडिया को सच्चाई बयान करना चाहिए। 2019 के चुनाव के कैसे आप तैयारी अभी से लेकर आप चल? अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसका विरोध करेगी। अब जनता सड़कों पर उतरेगी। जनता विरोध करेगी, आप विरोध करेंगे? जनता विरोध करेगी, जनता विरोध करेगी, जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। संजीव, किस चीज को लेकर आप लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज का धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा बढ़ाए गए बिजली की दरों के खिलाफ है। जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि निकाय चुनावों के जस्ट तुरंत बाद 63% से लेकर 100% 50% तक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की वृद्धि की गई, और जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में बिजली की वृद्धि की गई, समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ है। और इसीलिए आज पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सारे नेतागण, सारे विधायकगण और समस्त जो कार्यकर्तागण यहाँ एकत्र हैं, हजारों की संख्या में आज हमारे साथ आए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन दिया, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्यों आगे क्या आंदोलन? समाजवादी पार्टी ने हमेशा संघर्ष किया है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हमेशा संघर्ष खेल रही है, और जहां भी जोर जुलूम हुआ है समाजवादी पार्टी ने डंडे लाठी खाने से कोई गुरेज नहीं किया है। हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश जनता को परेशान नहीं होने देंगे। उनके खिलाफ जोर जो जुलूम करेगा जो उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, हमेशा उसके जनता के साथ रहने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है।